अरे मैंने गांव वालों को कितनी बार समझाया कि अपने बेटे को चौकीदार जैसी छोटी मोटी नौकरी के लिए मत भेज। बेहतर यही है कि यहाँ रहकर वोट दो। वोट देने से सबका फायदा। अरे कोई नहीं देने से भी मैं तो देने जाऊंगा। मैंने तुम लोगों का नाम मनरेगा में दे रखी नहीं हा? लेकिन लोगों ने बोला कि मनरेगा में बहुत पैसा देता है। आपने तो हमें 50 रुपए दे के बाकी सब। चुप। हर रोज बैंक कौन जाता है? मैं और ब्लॉक से पैसा निकल कर कौन सब में बता है? तो देखो भाई, तुम दोनों को कल फिर से आना है, दस्तखत करना है। इस बार भी तुम लोगों को पैसा मिलेगा, ठीक है? ओए बहुत हो गया, अभी उठो। उठो 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 उठो। अरे हो गया भाई, उठो। जाओ 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 जाओ। इस तरह क्या देख रही है? पिताजी, आप जो पैसे के बारे में बोल रहे हैं, ये सब तो उन लोगों का ही है ना? तुझसे मैंने कितने बार कहा है कि रुपये पैसे के बारे में मत बोला कर। जा अंदर। अरे जा। कहीं जा रही हो? हाँ, अम्प्री के घर। अम्प्री के घर? चाचा चाची को खबर करनी है। अच्छा हुआ तुम भी मुझे यही मिल गए। एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? हाँ, मैं जो खबर देने वाली हूँ उसे सुनो और इंतजार करो। जो खबर तुम देती हो उसका इंतजार तो मैं करता ही रहता हूँ। मैं जो खबर देने वाली हूँ उसे सुनकर तुम भी खुशी से झूम उठोगे। तुम क्या कह रही हो, मैं समझा नहीं। कब समझे नहीं? क्या कल तू नदी किनारे बैठ के इंतजार करना। तुम क्या कहना चाह रही हो, अच्छे से बोलो मुझे। अरे थोड़ा सब्र करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या अच्छी खबर है, अच्छे से बोलो ना। अच्छी खबर तो दूंगी, उससे पहले ये बताओ तुम मुझे क्या दोगे? मैं भला क्या दूंगा? देना तो पड़ेगा, नहीं देने से नहीं होगा। ठीक है ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। पक्का दोगे ना? अरे बाबा कसम से दूंगा, पहले बताओ तो सही। सुनो, आज अम्प्री आएगी। क्या अम्प्री आएगी? हाँ, कल उसने भैया को फोन किया था और कहा कि आज आएगी। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, आज अम्प्री आएगी। इससे बड़ी मेरे लिए अच्छी खबर और क्या हो सकती है? अब बताओ मुझे क्या दोगे? तो चलो मैं अपनी साइकिल पे बिठा कर तुम्हें सैर करवा के आता हूँ। नहीं, तुम्हारी स्तुति हुई साइकिल पे मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी। अरे बाबा मैं तो मजाक कर रही थी, अभी मैं अम्प्री के वहाँ जाकर खबर करके आती हूँ। तुम खबर करके आओ। और एक बात सुनो, अम्प्री पास से आएगी, मैं उसे लेने आगे तक जाऊंगी। तू भी चलेगा क्या मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाऊंगा। तब तो अच्छा है, वहाँ जो कीचड़ भरी रास्ते है वहाँ से निकलने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ एक बैग भी तो होगा ना। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर जाऊंगा, दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, अभी मैं चाची को खबर करके आती हूँ, जब मैं जाऊंगी तुम्हें मिलूंगी। ठीक है। हमारे सरपंच कह रहे थे कि इस बार कोई नया सरपंच आएंगे। बात तो सही है, भला ये सरपंच ये सब काम कैसे कर पाएगा? कोई नया आएगा तो अच्छा ही होगा। सुनने में आया है कि धनसिंह लोगों के बहुत सारे पैसे लूट रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? अरे लोग कह रहे हैं ना। लोग तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन? लेकिन क्या? अरे वो अगर लोगों के पैसे नहीं लूटता तो इतना बड़ा घर कैसे बनाता? आखिर वो ऐसा कौन सा काम करता है? हाँ, वो तो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ मीटिंग करता रहता है। हाँ, एमएलए के आगे पीछे घूमता रहता है।
बात तो सही है। अरे उससे तो अच्छा हमारे लड़के हैं, जो खेतों में काम करते हैं, फिर भी उनके पास खाने के पैसे नहीं। तुम बहुत ज्यादा चिंता करती हो। आप तो मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं देते। सच में धन सिंह लोगों के बहुत सारे पैसे लूट रहा है। ये बात तो सही है, लेकिन उसकी ये असलियत लोगों के सामने कौन लाएगा? एक दिन जरूर आएगा, कोई ना कोई तो उसकी असलियत लोगों के सामने लाकर उसकी पोल खोलेगा। पर ऐसा कौन होगा? चाची जी, चाची जी। अरे काबान, काबान। हाँ, आओ। आपने मेरी आवाज कैसे पहचाना? अरे मैं तुम्हारी आवाज क्यों नहीं पहचानूंगी, माँ भी आई है साथ में। आप लोगों का खाना पीना हो गया? हाँ हाँ, अभी अभी हुआ है। पर आज इस समय यहाँ कैसे आना हुआ? वो तो ये जिद कर रही थी, इसलिए आना पड़ा। बहुत अच्छा किया, आओ। आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे। क्यों, ऐसी कौन सी बात है? क्या मतलब, आप भूल गए? कौन सी बात? आज अम्प्री आ रही है। हमारी बच्ची आने वाली है। कल रात भैया को फोन किया था और कहा कि मैं आ रही हूँ। मैंने सोचा कि भैया ने आप लोग को बोल दिया होगा, चाचा साइड भूल गए होंगे। मेरे पति तो मुझे मार ही डालेंगे। बोल रही थी परीक्षा खत्म हो गया और रिजल्ट देने तक यहीं पर रुकेगी। बेटी आएगी ये बताने से कोई पाप हो जाएगा क्या? एकदम भूल गया था। अभी मैं उसे लाने जा रही हूँ। माँ आप थोड़ी देर यहीं पर रुकना। हाँ कमन, ये लेके जाओ। आने के टाइम रिक्शे में आना और गांव के उस कोने से मैं लेने आ रहा हूँ। आप रहने दो चाचा जी, मैंने पहले ही नुम्पी को आने के लिए बोल दिया था। ओ, नुम्पी आएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है जाओ। अभी चलती हूँ। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और भी खराब हो जाते हैं। क्यों, भूल गए? हम लोग जब गांव के स्कूल में पढ़ाई करते थे उन दिनों की बात। तुम्हारी शादी के बारे में सुनी थी। पहले तुम्हारी होगी, उसके बाद मेरी। अभी मैं काम करूंगी, उसके बाद नौकरी? नहीं, जब मैं वहाँ थी एक एनजीओ में काम करती थी। मतलब? तुम्हें मैं सब कुछ बताऊंगी। हम लोग यहाँ रहकर सरकारी नौकरी करेंगे। और गांव के मुखिया क्या करेंगे? वो भी करेंगे। और धन सिंह? ये धन सिंह कौन है? क्यों, हमारी सहेली मीरदान की पिताजी अब वही सब काम करते हैं। हाँ याद आया। जैसे कि सेक देना, पैसा देना, घर देना आदि सब कुछ वही करते हैं। 3 साल से यही चलते आ रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? अम्पी चल बैग दे। ले। संभल के आना। ऐसे रुके रहने से इतना लंबा सफर कैसे पार करेंगे? अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, मैं तो गिर पड़ती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले नुम्पे।
बार स्कूल के दिनों में जब तुम तालाब में गिर पड़ी थी, बिना चोचे बगैर तुम्हें बचाने के लिए नुम्पे भी पानी में कूद पड़ा था। ये सब बातें कोई भूल सकता है क्या? इसे तो पूछो, याद है कि नहीं? ये तो हमेशा तुम्हारी यादों में ही खोया रहता है। मतलब? वो पहले जैसा ही है। मैं जब भी उसको तुम्हारे बारे में बोलती हूँ, इसका गाल टमाटर जैसा लाल हो जाता है। कवन, तुम भी ना क्या क्या बातें करती रहती हो। चलो बैग दो। बस इतना ही? हाँ, गांव में कितना लड़का है, पर उसके जैसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला। तुम्हारे सर अच्छा है, वरना मैं ही उसके साथ शादी कर लेती। कवन, चलो। हाँ बैठो बैठो बैठो। हाँ देखो, सरकारी काम है। हाँ, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें काम सिखाऊंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, कल मैं तुम्हें सरकारी ऑफिसर के साथ मिलवा दूंगा। हाँ, अब ये लो, अब मैंने तुम्हें सरकारी मोहर दे दी। हाँ, अभी सभी काम तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। ऑफिस से कागज मिलने के बाद तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। लेकिन मैं... हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, आज स्कूल के मैदान में हम सब मिलेंगे। हाँ, ठीक है। कार्यभार मिल गया? हाँ, मिला। चलो ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना। पहले वाला जो सरपंच था, वो मेरी कारण ही सरकारी नौकरी कर सका, और कार्यभार मिल ही गया है तो तुम्हें मेरा भी दायित्व कुछ बढ़ गया है। मैं तुम्हें अकेले तो नहीं छोड़ सकता। मैं कल ही सरकारी ऑफिसर के पास जाऊंगा। ठीक है, चलो मैं ले चलूंगा। सरपंच जी ने मुझे पहले से ही बोल के रखा है। अरे भाई, बुढ़ा आदमी है, उन्हें ले जाकर क्या फायदा? अरे घर पर बैठकर सरकारी पैसे का रखवाली करो। और तुम्हें तो एक बात पता है ना, ये जो MLA है ना, मैं उसका घर का आदमी हूँ। मैं उनसे भी तुम्हारा जान पहचान करवा दूंगा। ठीक है, मुझे तो कुछ बोल। देखो भाई, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नौजवान होकर ये बुढ़े जैसे नौकरी करके क्या फायदा? हम लोग तुम्हारा सारा काम कर देंगे। हाँ, हाँ, हाँ। सुनो, कल जिन जिन गाँव वालों को ये सामान बांटा था, उन लोगों का नाम लिखना पड़ेगा और तुम्हें एक साइन ही करना है बस। हाँ। ठीक है, अब चलो आओ। चलो भाई। पिताजी, घर का हालत बहुत खराब हो गया है। क्या बोलूं, पूछो ही मत। पिछली बार जब मैं आई थी, तुम लोगों ने मुझे एक चेक का जिक्र किया था, क्या वो चेक तुम लोगों को मिला? अपने पिताजी से पूछ। मुझे क्या पता? तो किसे पता होगा? धन सिंह को पता है, उसी ने 500 रुपए दिए थे उस चेक के बदले। सिर्फ 500? हाँ, उसने बोला कि इतना ही लिखा हुआ था चेक में। इसीलिए बोलती हूँ, पढ़ना जरूरी है। अब तुम ही जानो क्या होगा। मुझे तो पता है, रुकिए। गांव के सभी लड़के एक एक करके बाहर चले गए। बाहर गए हैं? लेकिन क्यों? नौकरी की तलाश में। यहाँ रहकर भी क्या करेंगे, इसीलिए नौकरी की तलाश में बाहर जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कई लड़कों को गांव में नहीं देखा। हमारे साथी कई लड़के गांव से बाहर चले गए। पर गए कहाँ? बेंगलोर में गए हैं। वहाँ कुछ काम के लिए गए हैं? क्या उन लोगों का कोई पढ़ाई नहीं है? सुना है वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। बहुत से लड़के शायद होटल में भी काम करते हैं। काम करना बुरी बात नहीं है, और किसी भी काम का अच्छा या बुरा नहीं होता है। लेकिन वहाँ रहकर वो लोग कुछ और नाम कमाते तो अच्छा होता। उन लोगों का वहाँ काम करने का कोई योजना भी नहीं है। मतलब वहाँ नहीं गए तो यहाँ रहकर भी क्या करेंगे? बहुत से लड़के गलत राह पकड़ सकते हैं। बहुत से लड़के आवारा हो सकते हैं, कई तो आर्म्स के लिए। आर्म्स? बहुत लड़कों को संगठन ने जोड़ लिया। ओह, परंतु सरकार किसी का दायित्व नहीं लेती। सबके लिए निश्चित सुविधाएं होती है, और ये सुविधाएं कोई भी ले सकते हैं। सरकार ने क्या किया? युवक युवतियों के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई है। कहा, हम लोगों ने तो नहीं देखा। कैसे मालूम होगा?
गांव के लोग तो बाहर की दुनिया से अनजान है। सरकार ने बहुत सी आश्चर्यजनक खबरें टीवी या रेडियो के माध्यम से प्रसार की है। हमारे गांव में टीवी कहाँ है? टीवी देखने के लिए बिजली भी कहाँ है, और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए किसके पास शिक्षा भी नहीं है। वही तो। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। इसी वजह से धन सिंह जैसे लोग हमारे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। तुम सही कह रहे हो अम्पी, पर एक बात है, हमारे गांव के बड़े युवक युवती बाहर नहीं गए। गांव के गरीब लोग ही अपने छोटे छोटे लड़के लड़कियों को शहर में अमीर लोग के वहाँ काम करने के लिए रखा है। ये तो अन्याय है। 14 बरस से कम उम्र के लोगों को काम करवाना बहुत बड़ा अपराध है। लड़के लड़कियों को उनके पिताजी ने भेजा है, क्या कर सकते हैं? इसमें उन लोगों के माए कुछ नहीं बोलते हैं? वो लोग विरोध नहीं करते हैं? विरोध करने से उन्हें मारा जाता है। ये तो सरासर अन्याय है। और अब लड़के लड़कियां काम करके पैसे भेजते हैं, और उन्हीं पैसे से माए घर चलाती है। उनके पति कुछ नहीं करते? खेती करते हैं और हाट बाजार में बिक्री करते हैं, पर उतने पैसे से घर नहीं चलता। हाँ, और सभी पति शाम को शराब पीकर अपने पत्नियों को मारते हैं, उन पर जुर्म करते हैं। ये तो डोमेस्टिक वायलेंस है। क्या? हाँ, घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरोध करने वाले अन्याय के खिलाफ सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। औरतों के अन्याय के खिलाफ सरकार ने रोक लगाई है। इन सब के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। अशिक्षित होने के कारण ये सब समस्याएं हो रही है, इसीलिए हमें शिक्षित होना चाहिए। हम प्रेम, तुम जो कह रही हो कि बेरोजगार युवक युवतियों के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई है, वो किस प्रकार है? कृषि से जुड़े बहुत सारे चीजें जैसे कि बांस, बैर, उद्योग, खार, प्रस्तुतिकरण। तुम जो कह रही हो प्रस्तुतिकरण, वो क्या है? तो सुनो, हमारी राज्य बहुत ज्यादा खेती करते हैं और इससे 2 गुना मुनाफा कमाते हैं। नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। इस बार गांव में टमाटर की खेती कम होने के कारण राज्य सरकार से कोई मुनाफा नहीं मिला। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि टमाटर की खेती ज्यादा होने के कारण दाम कम हो गए। हमारे यहाँ रखने की अच्छी व्यवस्था भी नहीं है, जिसके कारण टमाटर गल गए और सरकार को तुरंत बिक्री करने पड़े। लेकिन टमाटर से सॉस बना के हमें लाभ मिल सकती है। कितना लाभ होगा? जैसे कि 1 किलो टमाटर का दाम है 30 रुपया, उसमें से अगर हम सॉस बनाएंगे तो 1 किलो सॉस का दाम 100 रुपया हो जाएगा। जरा खुल के बताओ। ठीक है, सुनो, हमारी पूरी दुनिया में जो प्रोसेस्ड फूड या तैयार की गई जो खाद्य है, उसका एक बहुत बड़ा बाजार है। उसमें हम टमाटर से बने सॉस बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। पर हम लोग तो टमाटर सॉस बनाना नहीं जानते। इसीलिए सरकार ने विभिन्न प्रशिक्षण व्यवस्था ली है। गांव की युवक युवतियाँ अपने आत्म संस्थापन के लिए ये सब सुविधा ले सकते हैं। इसमें बैंक भी बहुत हेल्प करते हैं। सरकार ने इतनी अच्छी योजना बनाई है, हमें तो पता ही नहीं है। अब हम भी अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ करेंगे। करेंगे, जरूर करेंगे। अम्प्री, तुम्हें ये सब ज्ञान कहाँ से मिला? मेरा लैपटॉप देखा है, उसी में ही मैं इंटरनेट के जरिए सारे खबरें ले लेती हूँ। ठीक है, अब से हम लोग भी तुम्हारे लैपटॉप में समाचार पढ़ा करेंगे। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, इसके बारे में दूसरों को भी ज्ञान देना। लेकिन मैं क्या? नहीं बताऊंगा, तुम लोग मुझ पे हंसोगे। बताओ तो, क्या हुआ? बताओ तुम पे क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओ, ये बात है। नहीं जानना शर्म की बात नहीं है, लेकिन नहीं जानते हुए शिक्षा नहीं लेना शर्म की बात है। इसी व्यवहार की वजह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। चलो अभी घर चलते हैं।
क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, आइए आइए। बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं अम्प्री, इसी गांव की ही लड़की हूँ, और ये कबान और ये नुम्पे। नमस्ते। नमस्ते, कहिए क्या बात है? सर, केंद्रीय सरकार ने गांव की उन्नति के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की है, लेकिन हमारे गांव को उनमें से कोई भी सुविधा मिल नहीं रहे है। अच्छा। मुझे लगता है केंद्रीय सरकार की दी हुई ये सुविधाएं हमारे गांव तक नहीं पहुंचने का एक ही वजह है, शायद इसमें कोई रोक डाल रहा है। मैं इन लोगों को जानता हूँ क्या? धन सिंह चाचा, वही ये सब कुछ कर रहा है। धन सिंह, आप लोगों के पास धन सिंह ने किए हुए अन्याय के खिलाफ कोई सबूत है क्या? अभी हमारे सामने यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनके खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन इसमें हम किसी की मदद ले सकते हैं। अच्छा, अब समझ में आया। सर, हम सभी इस धन सिंह को और किसी को बर्बाद करने नहीं देंगे। स्पर्श से लगता है उजला सवेरा, जैसा रूप है तेरा वैसा गुण से ही भरा, तेरे स्पर्श से लगता है उजला सवेरा।